अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। आप सबका इस्तकबाल है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन अरबी सीखे में। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको ये बताऊंगा कि अमर गायब और मुतकल्लिम की गर्दान हम कैसे करते हैं। ठीक है, गर्दान अमर गायब व मुतकल्लिम। ठीक है, देखिए ये मतलब इसका मतलब क्या हुआ। हमने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी ग्रामर की, उसके अंदर हमने क्लियर किया था किस चीज़ को, फ़ेल अमर को। यानी हम सामने वाले को हुक्म देते हैं कि तुम करो, तुम खाओ, तुम जाओ, तुम मदद करो, तो ये सामने वाले को हम हुक्म दे रहे थे। तो हमने खाली उसमें छः ही सीगे पढ़े थे जो हाजिर के सीगे थे, कि जिसमें जो सामने होता है या तो वो मर्द हो या औरत, सिर्फ उन्हीं को हुक्म दिया जा सकता था। आज इंशाल्लाह मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर हमें किसी गायब को हुक्म देना हो, अब जाहिर सी बात है गायब को हुक्म नहीं देते, गायब से रिक्वेस्ट करते हैं, भाई आप हमारे सामने हैं, आपको हम कहेंगे तुम मदद करो, लेकिन एक शख्स हमारे सामने नहीं है, गायब है, तो हम क्या कहेंगे? हम ये नहीं कहेंगे कि वो मदद करे, बल्कि उसको मदद करनी चाहिए, चाहिए कि वो एक मर्द मदद करे, तो उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जो बाकी सीगे बचे हैं हाजिर के अलावा, कौन कौन से बचे, वो गायब के बचे और मुतकल्लिम के बचे सीगे, तो उनसे हम अमर बनाना सीखेंगे, यानी गायब से रिक्वेस्ट करना सीखेंगे कि उसे एक मर्द को करना चाहिए, उन दो मर्दों को करना चाहिए, उन सब मर्दों को करना चाहिए, उसे एक औरत को मदद करनी चाहिए या मुझे करना चाहिए। अपने आप को भी हुक्म होता है, मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि मुझे मदद करनी चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, कि मैं पढ़ूँ, अपने आप को हुक्म कैसे देंगे, तो वो इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा। हमारी गर्दान होगी गर्दान अमर गायब व मुतकल्लिम की। उसके लिए सबसे पहले हमारा तरीका यही है कि हम पूरी गर्दान लिख लेते हैं जो बाकी सीगे हैं। ये मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर लिखे आपके सामने, यंसुरु यंसुरान यंसुरुना तनसुरु तनसुरान यंसुरना अनसुरु ननसुरु। ठीक है, ये यहाँ तक गायब के सीगे हो गए यंसुरना तक, और ये अनसुरु ननसुरु हमारे मुतकल्लिम के सीगे हो गए। हाजिर के सीगे कहाँ गए? हाजिर के सीगों से हमने दूसरी गर्दान पढ़ ली है, उनसुर उनसुरा उनसुरु वाले, कि तुम एक मर्द मदद करो, तुम दो मर्द मदद करो, तुम सब मर्द मदद करो। ठीक है, यहाँ पर हम गायब से और मुतकल्लिम से बात करेंगे और हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। उसके लिए देखिए सबसे पहला कायदा यही है कि वो शुरू में लाम अमर लाया जाता है। मैं यहाँ पर आपके सामने लिख देता हूँ, कायदा यह है कि फ़ेल मुजारे के, फ़ेल मुजारे के शुरू में, ठीक है, शुरू में लाम अमर, लाम अमर लगाया जाता है, लाम अमर बढ़ाया जाता है। मैं आपको भी बता दूंगा कि लाम अमर क्या होता है। लाम अमर हमेशा मकसूर होता है, यहाँ पर मैं वही लिख देता हूँ, लाम अमर हमेशा हमेशा मकसूर होता है, मकसूर यानी उस पर ज़ेर होता है, लाम ज़ेर ली होता है, वो ली लाम ज़ेर ली, वो क्या होता है, लाम अमर होता है। ठीक है, ये हमारा पहला कायदा हुआ। दूसरा कायदा हमारा क्या हुआ, दूसरा कायदा ये नंबर दो है और ये नंबर वन है। ठीक है, मैं यहाँ पर नंबरिंग भी लिख देता हूँ। कायदा नंबर दो क्या है, लाम अमर क्या करता है, फ़ेल मुजारे के आखिर को साकिन कर देता है, मुजारे के आखिर को, ये सब कवायद आप नोट कर लीजिएगा, साकिन कर देता है। ठीक है, नून एराबी गिरा देता है, ठीक है, नून एराबी ये फिरा नहीं गिरा, ठीक है, गिरा देता है, और नून ज़मीर बाकी रहता है। देखिए कायदे समझ लीजिए दोबारा, शुरू में क्या होता है, लाम अम्र बढ़ाया जाता है, लाम अम्र हमेशा मकसूर होता है। दूसरा कायदा मुजारे के आखिर को साकिन कर देता है, नून एराबी गिरा देता है, नून ज़मीर बाकी रहता है। चलिए हम इसको अप्लाई करते हैं। यहाँ पर हमारे सामने गर्दान है यन शुरू, सबसे इसके शुरू में हमें जो अलामत मुजारे है ये नहीं गिरानी है। हाजिर के सीगों में क्या हो रहा था, जब हम यफ़ालु से इफ़ाल बना रहे थे, वहाँ पर हमें अलामत मुजारा गिरानी पड़ रही थी, लेकिन यहाँ पर अलामत मुजारे नहीं गिराएंगे, शुरू में खाली लाम अमर बढ़ाएंगे। लाम अमर हम लगाते हैं, हमने लाम लगाया, लाम अमर क्या होता है, मकसूर होता है, लाम पर ज़ेर होता है, हमने लाम पर ज़ेर लगा दिया। ठीक है, आखिरी हर्फ क्या है, पेश है, उस पर उसको हम साकिन कर देंगे। ठीक है, ये क्या बन गया हमारा, लियन सुर, क्या मतलब, चाहिए कि वो एक मर्द मदद करे। अब ये रिक्वेस्ट हो गई गायब आदमी से कि वो एक मर्द मदद करे, चाहिए कि वो एक मर्द मदद करे,
उस एक मर्द को मदद करनी चाहिए। तीनों आप तर्जमे कर सकते हैं। क्या क्या, एक बार और सुन लीजिए। वो एक मर्द मदद करे, ये बाकायदा हुक्म हो गया। चाहिए कि वो एक मर्द मदद करे, दो। उस एक मर्द को मदद करनी चाहिए, लियंसुर। ठीक है, अब हम इस वाले सीखे पा जाते हैं। सबसे पहला काम क्या, लाम मकसूर बढ़ाना है। लाम अमर जो होता है, लियंसुरानी हो गया। नून एराबी आखिर में, ठीक है, नून एराबी को हम गिरा देंगे, हमने गिरा दिया, क्या हो गया, लियंसुरा। क्या मतलब, चाहिए कि वह दो मर्द मदद करें, एकदम राइट। इस पर आ जाते हैं। सबसे पहले लाम मकसूर बढ़ाया हमने, आखिर में नून एराबी है, इसको हमने गिरा दिया। जमा है तो जमा का अलिफ आ जाएगा, क्या मतलब हो गया, लियंसुरू, चाहिए कि वो सब मर्द मदद करें। आगे आ जाते हैं तंसुरू पे। लामे अम्र लगाया हमने, ठीक है, लामे अम्र, उस पर जेर लगाया। आखिर पे क्या है, पेश है, तो वो सुकून में तब्दील हो जाएगा। नून एराबी होता है तो वो गिर जाता है, पेश होता है तो वो सुकून में तब्दील हो जाता है। लितंसुर, क्या मतलब, चाहिए कि वो एक औरत मदद करे। तस्निया मोनस गायब के सीगे पर आ जाते हैं। लाम जेर ली, लाम मकसूर यानी लाम अमर लगा दिया, इसको लाम अमर बोलते हैं। आखिर में नून एराबी है, गिरा दिया, क्या मतलब, लितंसुरा, चाहिए कि वो दो औरतें मदद करें। ठीक है, जमा मोनस गायब के सीगे पर आ जाते हैं। लाम पर जेर, लियंसुरना, नून नून जमीर है, नून एराबी नहीं है, नहीं गिरेगा तो ऐसे ही रहेगा। लियन सुरना, क्या मतलब, चाहिए कि वो सब औरतें मदद करें, वेरी गुड। इस पर आ जाते हैं, लाम जेरली लगा देते हैं। ठीक है, आखिर में सुकून पेश है, सुकून में तब्दील हो जाएगा, क्या मतलब, ये क्या हो गया, लियंसुर, चाहिए कि मैं मदद करूं। जमा के सीगे पर आ जाते हैं। लाम जेर ली लगा दिया, जो लाम अमर कहलाता है, आखिर में पेश है, सुकून में तब्दील कर दिया। लिनंसुर, चाहिए कि हम सब मर्द मदद करें, हम सबको मदद करनी चाहिए। लिनंसुर, हम सबको पढ़ना चाहिए। लिनकरा, हम सबको लिखना चाहिए। लिनक्तुब, इस तरह आप पूरा जुमला बना सकते हैं। तो एक बार और देख लीजिए गर्दान, लियंसुर लियंसुरा लियंसुरु लितंसुर लितंसुरा लियंसुरना लियंसुर लिनंसुर। ठीक है, यानी वो एक मर्द मदद करे, वो दो, वो सब। अगर हमें कहता है तू एक मर्द मदद कर, तो क्या होगा, उनसुर, वो फिर हुक्म हो जाएगा कि तुम एक मर्द मदद करो, उनसुर, तुम दो मर्द मदद करो, उनसुरा। ये जो लाम ज़ेरली है, ये रिक्वेस्ट के लिए आता है, दरख्वास्त करते हैं आदमी से कि भाई आपको मदद करनी चाहिए, ये आपका हक है। हुक्म नहीं होता इसमें, हुक्म क्या होता है, हुक्म सामने वाले को होता है, करो, इसमें रिक्वेस्ट होती है। बाकी आप सामने वाले से अगर रिक्वेस्ट करनी हो, इंशाल्लाह मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि अगर सामने बंदा है उससे आप रिक्वेस्ट करने जो है रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, वो इंशाल्लाह मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। बाकी सामने वाले को हुक्म देते हैं, गायब से रिक्वेस्ट करते हैं, बाकी सामने वाले से भी रिक्वेस्ट करते हैं, वो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा, आप जो है आराम से सब्र रखिए उसका। तो ठीक है, ये गर्दान होगी, इसके बाद इसी गर्दान का मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आप उसको अच्छी तरह करके हमें सेंड कर दीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पर मैंने आपके सामने कुछ अरबी में सीगे लिखे हैं, मैंने इनमें किसी पर भी ज़बर ज़ेर पेश नहीं लगाया है, एराब नहीं लगाया है। क्यों, ताकि आपको ख़ुद से प्रैक्टिस हो जाए कि आखिर में नून नहीं है यकराऊ के तो, और शुरू में लाम है, तो लाम कौन सा हो सकता है, वो लाम अमरी होगा, और लाम अमर मकसूर होता है, तो आप इस पर जानबूझकर खुद ही इस पर आप ज़ेर लगाएंगे इस तरह। तो इसलिए मैंने किसी पर भी यहाँ पर एराब नहीं लगाया है, आपको खुद ही एराब लगाना है और फिर तर्जमा लिखना है। जैसे मिसाल के तौर पर यही है, लियक्राऊ, ये लियक्राऊ के अलावा कुछ और है ही नहीं। क्यों, क्योंकि इसके आखिर से नून हजफ हो रहा है लाम अम्र की वजह से, तो लाम अम्र ही हो सकता है, ये यही ख़त्म करता है उस नून को, यकराऊ ना। तो तर्जमा क्या होगा, चाहिए कि वो सब मर्द पढ़ें, उन सब मर्दों को पढ़ना चाहिए। तो आप एराब भी लगाएंगे और नंबर दो तर्जमा भी करेंगे। ऐसे ये है लियस्माना, ठीक है, समिया यस्माऊ से जमा मुन्नस गायब का सीगा यस्माना हुआ, और लाम जो है वो लाम अमर है, तो लियस्माना। बाकायदा आप ज़बर ज़ेर पेश लगाएंगे, लाम पर ज़ेर लगाएंगे, ठीक है, यस्मा अमीम पर ज़बर लगाएंगे, ठीक है, और नून नून पर आप ज़बर लगाएंगे। लियस्माना, चाहिए कि वो सब औरतें सुने। इस तरह आप देखिए, ये सब लिखे हुए हैं, आप अच्छी तरह इनको देख लीजिए,
और एराब लगाइए। मैं पढ़ के नहीं बता सकता क्योंकि अगर मैं पढ़ दूंगा तो फिर वो एराब जाहिर हो जाएगा। तो आप अच्छी तरह देख लीजिए, ये अकला या कुलू से है, ये खरजा या खुरुजू से, ये शरीबा या शरबू से, इस तरह बता देता हूँ मैं आपको, ये जहाबा या जहबू से है, ये सजदा या सजुदू से है, ये आबदा या आबूदू से है, ये सजदा या सजुदू, ये भी सजदा या सजुदू, ये जराबा या जरीबू, ये भी जराबा या जरीबू, ये फ़ाला या फ़ालू से है, ये समिया या समाऊ से है। ठीक है, आप अच्छी तरह देख लीजिए और इसका होमवर्क कीजिए। इसके बाद मैं उर्दू के जुमले आपके सामने कुछ लिख देता हूँ, उस उर्दू को आप अरबी में कन्वर्ट कीजिए। जैसे उन दो मर्दों को मदद करनी चाहिए, ये इसके आप अरबी बनाइए। ठीक है, उन दो मर्दों को मदद करनी चाहिए, उन दो औरतों को निकलना चाहिए, हम सबको जाना चाहिए, ज़हबा या ज़हबू से निकलना चाहिए, खरजा या खुरुजू से, मुझे पढ़ना चाहिए, उस एक मर्द को खेलना चाहिए, उन सब मर्दों को सोना चाहिए, सोने के लिए रकदा यरकुदु, उन सब औरतों को धोना चाहिए, हमें निकलना चाहिए, मुझे खेलना चाहिए, उन दो औरतों को खेलना चाहिए। देखिए मैं एक बार आपके सामने स्क्रॉल कर देता हूँ, आप चाहे तो वीडियो पॉज करके भी इसको आराम से देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपके सामने आहिस्ता आहिस्ता इसको स्क्रॉल कर देता हूँ, आप लिख सकते हैं कॉपी में, चाहे तो पहले आप नोट कर लीजिए और वीडियो रोक के भी आप देख सकते हैं इसको। उन सब मर्दों को सोना चाहिए, धोना चाहिए, धोने के लिए गसाला यगसिलू, धोना। ठीक है, हमें निकलना चाहिए, खराजा या खुरुजू, खेलना चाहिए, लाइबा या लाबू। मैं उम्मीद करता हूँ ये सबक आपको समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको हाजिर के बारे में बताऊँगा कि सामने वाले शख्स से आप कैसे रिक्वेस्ट करते हैं, वो भी बहुत सिंपल है, इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपको बता दूँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।